बाराबंकी आए और खजला नहीं खाया, ऐसा नहीं हो सकता। अब खजले की खासियत यह है कि आपको ऐसे अखबार के ऊपर मीठा मिलेगा, और इतना मीठा कि आप चीनी को भूल जाएंगे। क्या खासियत है खजला की, कैसे बनता है और कैसे बाराबंकी की पहचान? बाराबंकी में अक्सर ये मेले में मिलता था, अब ये बारह मास यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे ये रेगुलर आदमी यहाँ पे आते लेता है, या तो भरों के तौर पे लेके जाते हैं। क्या खासियत है? शाही हलवा, रोटी, सब बताएं। ये शाही हलवा है, ये राजाओं के जमाने के तैयार किया जाता था, तो ये सूजी में बनता है, और इसमें ऑयल लगता है रिफाइंड, और इसमें चेरी वेरी और मेवा मिक्स होता है, और वो पराठा है उसमें मैदा होता है और घी। मूल्य कितना है इसका, और बढ़ा है पहले से कि सेम है? सेम रेट है, 19-20 हुआ है, और ये महंगाई ज़्यादा है इस वजह से 10-20 रुपये बढ़ जाता है, 140 रुपये है, और फिर इसमें डिस्काउंट भी होता है 10-5 रुपये का, आदमी अगर डिस्काउंट करता है बस डिस्काउंट भी हो जाता है। लेकिन जनता को डिस्काउंट मिलता है क्या? खजला और हलवा खाते हैं, शाही हलवा, तो क्या इस बार के मुद्दे हैं? इस बार के मुद्दे को देखते हुए महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी के समय जितनी भी सस्ताई थी, इस पार्टी में बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई हो रही, गरीब लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही। जैसा कि जो गरीब आदमी, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो किसानी कर लेते थे, जिनका पेट पल जाता था, वो उनका पेट पल ही नहीं पा रहा है। इंसान काम करके भी पैसा नहीं कमा पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है, लेकिन जब खर्चा होता है खाने का, तो इस बार के मुद्दे क्या हैं आपके? महंगाई बहुत है मैडम, विकास हुआ नहीं है। आपके लिए क्या मुद्दा? महंगाई बहुत है, विकास नहीं हुआ। महंगाई बहुत है, विकास हुआ नहीं। क्या मुद्दा क्या है इस बार आपके लिए? मुलायम सिंह की हुकूमत आना चाहिए, इस पार्टी में जो है ना बहुत महंगाई है। महंगाई बहुत है, लेकिन अगर स्वाद की बात करें तो कम से कम हलवे से थोड़ी सी मिठास तो आ ही जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, बाराबंकी, एबीपी न्यूज। ABP News, आपको रखे आगे।